और फिलहाल मैं अभी नीमा कॉल में हूँ और हमारे साथ सोनू कुमार है। ये वही सोनू कुमार है जो बिहार में पहली बार वायरल बॉय के नाम से मशहूर हुए थे, क्योंकि इन्होंने नीतीश कुमार से जो सवाल किया था कि सर मुझे भी पढ़ना है, आप मुझे पढ़ाइए, लेकिन नीतीश जी तो नहीं पढ़ा पाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सोनू कुमार आज जो है कोटा के एलन में पढ़ रहे हैं और फिलहाल अभी गर्मियों की छुट्टी में घर पे आए हैं और घर पे अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनका हाल चाल जानना चाहूँगा, क्योंकि एक साल बाद आप सबों की मुलाकात जो है मैं सोनू कुमार से कराने वाला हूँ। सोनू कैसे हो आप? अच्छे। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छी। अच्छी चल रही है। मैं हमेशा आपको फेसबुक पे लाइव देखता हूँ, बहुत अच्छे इंग्लिश में बोलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों का थोड़ा अभिवादन इंग्लिश में हो जाए। वेलकम। थोड़ा सा और अच्छा से। दैट्स पर्सन व्हिच इज वॉच द इंडियन टाइम्स न्यूज। दैट्स पर्सन हैव वेलकम। टेल मी अबाउट योर एजुकेशन। I am studying at Ellen Keller Institute. I am studying in present 7th class. अब मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा कि पहले जब आप वायरल हुए थे उस समय और आज आप रिटर्न कुछ नॉलेज लेकर आए हैं, आपको ये बिहार कैसा लग रहा है? पहले और आज में अंतर क्या है? बदलाव क्या हुआ? डेवलपमेंट क्या हुआ? चेंज क्या हुआ है? कुछ बदलाव नहीं हुआ। क्या वो बदलाव क्या हुआ वो आप बताइएगा। आप बिहार में आए काफ़ी टाइम के बाद। कुछ नहीं बदला हुआ। कहाँ कुछ हुआ बदला। जो सड़क टूटा था वो टूटा ही रहा, कहाँ कुछ हुआ। ठीक। और जो शराब मिलता था वो भी मिल ही रहा है ना। शराब थोड़ा उस पर थोड़ा कार्रवाई हुई। हाँ। इस बार जो है शराब जैसे बंद हुआ है थोड़ा। जी आपके यहाँ बंद हुआ है? मेरे यहाँ और मेरे बगल में जो भी। जी सर, लेकिन बिहार में तो हर जगह मिल रहा है। मोतिहारी में लगभग 20 से 30 गो लोग मर गए एक साथ एक तो दिन। जो है जी शराब अच्छी चीज़ थोड़ी ना है। जी शराब जो है इतनी जो है गलत चीज़ है, उसको जो है पिएगा तो गलत है। चलिए शराब को हम लोग छोड़ते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अभी आप एलन में पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। वो तो होता ना एलन में जो पढ़ाई सब अच्छा चल रहा है जैसे। जी और अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं इसका रीजन? गर्मी की छुट्टी, आपने जैसे बताया। हाँ, तो गर्मी की छुट्टी में परिवार के साथ एंजॉय किया जा रहा है कि नहीं? हाँ। कितना एंजॉय कर रहे हैं आप फैमिली के साथ? फुल। एक साल बाद आया है, परिवार को मिस किया कि नहीं आपने? नहीं, फैमिली को मिस नहीं किया। क्यों? क्या मिस? हम लोग तो 10 दिन पे घर चल जाते हैं, याद आता है घर पे चल जाते हैं। नहीं मिस किया आपने? मिस करते रहेंगे तो आज वो जो मोदी जी हैं। हाँ। वो कभी प्रधानमंत्री बनते ही नहीं। हाँ। मतलब आपने मिस नहीं किया, ज़्यादा फोकस कहाँ पे था? पढ़ाई। पढ़ाई पे था। और आज आप एक साल बाद माँ से मिले तो कैसा लगा? अच्छा लगा। भाई से? अच्छा। उसके साथ खेला भी आपने? हाँ। हाँ? अब तो जो है 3 भाई हो गया। जी अलग है, एक और हो गया श्री बउआ। मैंने इसका नाम रखा। क्या नाम रखा उसका? क्री बउआ। क्री। इसका नाम पहले क्रिस था। जी उसका क्री बउआ मैंने रखा। हाँ। एक मेरा अपना भाई संजीत। जी। अब एक वाव है, उसका नाम को तो मुझे पता भी नहीं, उसका नाम मैं हर टाइम पर भुलाता हूँ। हर बार आप उसका नाम ही भूल जाते हैं। हाँ। अभी आप बताइए, जैसे कि आप बिहार में आए हुए हैं तो आपका सपना भी था DM बनने का, IAS आप बोलते हैं, तो IAS बनने के जो सफ़र है वो कहाँ तक जा रहा है? अच्छा चल रहा है वो जो है, वो तो 12th के बाद ही जो है उसमें उतरूँगा, और जो अभी 5 साल हमारे पास बचे हैं, 5-6 साल जी। उसमें मैं स्टेज को जो है और बेहतर बनाने की कोशिश। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं LN में? 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। और वहाँ की पढ़ाई के बारे में दर्शकों को जरा बताइए। वहाँ की पढ़ाई जैसे वहाँ पर जो टीचर्स रहते हैं वो एक्सपर्ट की तरह रहते हैं, और उनका जो पढ़ाने का तरीका रहता है एक तरीका रहता है, ये नहीं कि गए और किताब खोला और उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया और पढ़ा दिया, ये एक्सपीरियंस्ड और मतलब एक्सपर्ट की तरह रहते हैं। मतलब ऐसा पढ़ाते हैं जिसको दोबारा आपको रिवाइज ही नहीं करना पड़े बिना एनुअल एग्जाम के। जी
एक बार पढ़े और याद हो गया, एक बार समझा दिए याद हो गया। तो आपको क्या लग रहा है बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम उस वक्त था और अब था, और कोटा का जो है कैसा लगता है इसका? वहाँ बिहार का जो आज था, अभी था और जो अंग्रेज के टाइम पर था, हाँ, सब एक ही है। एक ही अंग्रेज वालों ने क्या किया, उनको गुलाम रखना था जी। तो भाई वो क्यों लीडिंग स्किल मैनेजमेंट स्किल सिखाते सबको, वो तो गुलाम की तरह बस घंटी बजवा दिया जी, एकदम कुछ नहीं, फिक्स सिलेबस उन लोगों ने जो है कर दिया जी। जब तक रहेंगे जब तक सरकारी स्कूल को कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा, और सरकारी स्कूल को नहीं जाएगा, गरीब सब पढ़ेगा नहीं, गरीब बच्चा नहीं पढ़ेगा ना। सही बात है। लेकिन सोनू जी, बिहार में तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भरा हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचार बना हुआ है। अगर कोई एक ईमानदार डीएम आ भी जाता है अपने ज़िले में तो उसको इतना दबाव दिया जाता है, इतना दबाव दिया जाता है, वो छोड़ देता है, नहीं तो वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। नहीं देखिए, अगर जनता कोई भी ऐसा होता है ना किसी भी डीएम के साथ, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसके परिवार को धमकी दिया जाएगा, है ना, जी जी, किसी भी तरीके से धमकी दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा चाहे, तो अगर वो इस चीज़ को जो जनता में बोले कि देखो भाई मैं काम कर रहा हूँ, ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, जनता इसको, जनता को बोलना चाहिए हम आपके साथ, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ये उनको दे और वो उनको दे, तब जाकर के कुछ। लेकिन सरकार अगर दबाव बनाए, सरकार की सरकार ज़्यादातर दबाव नहीं बनाएगा, सब ये छोटकन छोटकन जो है ना, डीएम के थोड़ा सा ऊपर या फिर कोई रंगदार जैसे है ना, वो सब इसे करेगा, सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, अगर ये कहिए कि सरकार अगर कोई डीएम गलत करा तो जरूर सरकार उस पर दबाव बनाना चाहिए, सरकार ऐसा नहीं करेगी। पहले और अभी के समय में नीतीश कुमार ने क्या सबसे बढ़िया डेवलपमेंट एक साल में किया है अब तक? डेवलपमेंट का तो ज़्यादा मुझे पता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो जब से 2017 और 18 के हिसाब से और 9 और 10 के हिसाब से जो हमारी बिहार की जो जीडीपी रैंक थी वो सेकंड पर थी जी, और इस बार 10.94 या फिर 8% है इस प्रकार से, जो कि अच्छा है, 14th रैंक पर बिहार का जीडीपी आ रहा है, कितनी अच्छी बात है। सोनू जी, आपने नीतीश कुमार से सवाल किया था एजुकेशन को लेकर, तो एजुकेशन में क्या बदलाव हुआ है अब तक? एजुकेशन में उन लोगों ने जो है विचार करके, जो देखिए स्कूल्स में तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन ये कहिए कि उन लोगों ने जो डिसाइड किया बीपीएससी टीचर्स को जो है ना बीपीएससी वाला, अभी वर्तमान समय, अच्छा, हाँ, वर्तमान समय में, हाँ, वो अच्छा कर, और जो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सबको जो है आता नहीं होगा, तभी तो वैसे कर रहे हैं। नहीं, जो जिस एजुकेशन के लिए आपने मांग किया था, क्या वो अब तक दूसरे बच्चों को मिल पाया है क्या? आपको तो नहीं मिला, लेकिन दूसरे बच्चों को क्या मिल पाया है? दूसरे बच्चे उसके लिए कोई आवाज़ उठाया कहाँ? दूसरे बच्चे आवाज कहाँ उठाए? और तो आवाज जैसे था। जैसे जो लोग जो है, हाँ, जैसे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ जी, वैसे ये जो जनता है ये उनके बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, अच्छा से नहीं ट्रीट किया जाता है, तो वो टीचर्स को बोले, टीचर्स के खिलाफ मोर्चा कहाँ निकालते हैं? तो सब जो है उसके पॉलिटिकली के खिलाफ खाली निकाले, तो पॉलिटिकली में क्या फ़ायदा, उस तो कानून है ना पास करेगा, अब इससे ज़्यादा करेगा क्या, कुछ करने वाला थोड़ी ना। लेकिन सोनू जी, आप कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, आपके जाने के बाद क्या सरकार ने उस बच्चों को गोद लिया या वो बेहतर एजुकेशन दे पाया जो आप देना चाहते थे उनको? अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं मिल पाया उनको। और सरकार जो सरकारी स्कूल है अगर हम उसी को डेवलप करें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार उन स्कूलों को डेवलप करेगा सरकारी जिनमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं? धीरे धीरे अब मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम पर जरूर बदलाव होगा जी, धीरे धीरे अब होगा।